लोगों को आजादी के साथ साथ वोट नहीं मिला, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे फ्रांस हो, बहुत से ऑस्ट्रेलिया हो, ये बड़े बड़े देश तो डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार कब मिला? आजादी मिलने के उनके 100 साल, 200 साल, 300 साल के बाद उनको वोटिंग का हक मिला। लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान बनाते वक्त ही महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, अमीरों को एक साथ वोट का अधिकार दिया, वो अडल्ट फ्रेंचाइज। आज सफाई कर्मचारी को भी वही वोट का अधिकार है। अगर कोई बड़ा सरमाएदार है, अमीर आदमी है, उसको भी एक वोट। ये किसने किया? ये कांग्रेस ने किया, ये मोदी ने किया? नहीं नहीं, मोदी किया होगा, लेकिन ठीक है, इसीलिए जो कुछ उन्होंने किया भी नहीं। हमारे स्कूल में पढ़ के हमको ही ऐसा बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। अब भाई हम कुछ तो कुछ किए हैं, इसलिए आप लोग जिंदा हैं, नहीं तो यहाँ गेहूँ नहीं मिला, बाहर का गेहूँ ला के खाते थे, खाना नहीं मिलता था, बड़े बड़े कारखाने बनाए, IIT बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, ये सब किसकी देन है? फिर बस है, तुम जाके बोलो, तुम कुछ नहीं करे बोलो, ये करे तो है, उनको घेरो और बोलो। एक हमारे पास कहने के लिए एक कहावत है या कविता है, देश में अगर औरतें अपमानित हैं, नासाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। जिनका पैदा होना ही अपशकुन है, नापाक है, क्योंकि किसी के घर में बच्ची हो गई तो ऐसा वैसा मुंह मूंढते, बच्चा हो गया तो मुंह खोल के 32 दांत दिखा के हंसते हैं। तो ये जो है, जिनका पैदा होना ही अपशकुन नापाक है, औरतों की जिंदगी क्या खाक है। चुप है, लेकिन ये ना समझो हम सदा को हारे हैं, राख के नीचे अभी भी जल रहे हैं अंगारे, तो जिंदा है। तो इसलिए बहनों, आप बड़े जोश के साथ आए हैं, आपका जोश ऐसा ही रहने दो, ये मुल्क का सवाल है, मुल्क को बचाने का सवाल है, और खासकर ये जो हमको वोट का अधिकार मिला, दूसरे देशों में महिलाओं को आजादी के साथ साथ वोट नहीं मिला, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे फ्रांस हो, बहुत से ऑस्ट्रेलिया हो, ये बड़े बड़े देश तो डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार कब मिला? आजादी मिलने के उनके 100 साल, 200 साल, 300 साल के बाद उनको वोटिंग का हक मिला। लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान बनाते वक्त ही महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, अमीरों को एक साथ वोट का अधिकार दिया, वो अडल्ट फ्रेंचाइज। आज सफाई कर्मचारी को भी वही वोट का अधिकार है। अगर कोई बड़ा सरमाएदार है, अमीर आदमी है, उसको भी एक वोट का। ये किसने किया? ये कांग्रेस ने किया, ये मोदी ने किया? नहीं नहीं, मोदी किया होगा, देखिए, ठीक है, इसीलिए जो कुछ उन्होंने किया भी नहीं। हमारे स्कूल में पढ़ के हमको ही ऐसा बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। अब भाई हम कुछ तो कुछ किए हैं, इसलिए आप लोग जिंदा है, नहीं तो यहाँ गेहूं नहीं मिला, बाहर का गेहूं ला के खाते थे, खाना नहीं मिलता था, बड़े बड़े कारखाने बनाए, IIT बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए,
ये सब किसकी देन है? फिर बस है, तुम जाके बोलो, तुम कुछ नहीं करे, बोले ये करे सो है, उनको घेरो और बोलो। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।